हेलो गाइस, अगर आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के शेयर होल्डर हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में हम लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर हम इसका शेयर प्राइस देखें तो आज के दिन इसने कोई खास मूवमेंट नहीं दिखाया है। इसका जो मूवमेंट है वो 0.42% का है आज के दिन, वहीं लास्ट 5 डेज में इसने 5% का रिटर्न दिया है। और अगर 6 मंथ का देखें तो यहाँ पर माइनस में रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर किसी ने इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ होगा तो उसको अभी बहुत ज़्यादा इसमें जो डाउन साइड है वो देखने को मिला हुआ होगा। इसका 1 ईयर पहले जो प्राइस था वो 300 के आसपास था, जो कि 221 तक गया। उसके बाद फिर से इसने रिकवरी की और यहाँ पर 272 के आसपास आज के दिन यह कंपनी ट्रेड कर रही है। तो अगर आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यह एक बेहतर कंपनी है, क्योंकि एक केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री है जिसका सेल्स रेगुलरली अब इम्प्रूव होने लगा है। अगर हम लास्ट 2 क्वार्टर से देखें तो यहाँ पर इसका जो सेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रहा था, और यही कारण था इस कंपनी का शेयर प्राइस 545 से सीधे 250 के आसपास आ चुका था। लेकिन इस क्वार्टर में इसने अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया है। 656 करोड़ इसका सेल्स था, जो कि अब इस बार इम्प्रूव हुआ है, और वो कितना इम्प्रूव हुआ है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हैं, जो कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट है वो मार्च 2023 में 733 करोड़ पर पहुँच चुका है। इसका सेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, और दिसंबर 2022 में 655 करोड़ था, 652 करोड़, 757 करोड़। अच्छा खासा मूवमेंट इस कंपनी में देखने को मिला है। OPM में कॉन्स्टेंसी देखने को मिली है, वहीं नेट प्रॉफिट में थोड़ा बहुत डाउन साइड देखने को मिला है। 27 करोड़ था लास्ट क्वार्टर में, जो कि अब 24 करोड़ पर आ चुका है। सेल्स की बात करें ईयरली, तो ईयरली इसका रिजल्ट डाउन रहा है, और नेट प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, लगभग आधा ही हो गया है, और इसी का जो EPS है वो भी आधा हो चुका है। तो यही सब पॉइंट थे कि इस कंपनी का शेयर प्राइस भी आधा हो चुका है, मतलब कि 550 से सीधे 250 के नीचे तक यह कंपनी ट्रेड करने गई थी, लेकिन अच्छी खासी रिकवरी दिखाई और यहाँ पर 272 के आसपास यह कंपनी ट्रेड कर रही है। और जैसे ही इसका नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, अगर उसमें सेल्स फिर से इम्प्रूव होती है तो अगले क्वार्टर में इसका जो शेयर प्राइस है वो 350 के आसपास तक भी पहुँच सकता है। लेकिन हाँ, इसको जो सेल्स है वो इम्प्रूव करना होगा, और इसका नेट प्रॉफिट इम्प्रूव करने के लिए इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी इम्प्रूव करना होगा, तभी यह कंपनी अच्छा खासा अपना जो रिजल्ट है वो यहाँ पर दिखा पाएगी। तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए अभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यह कंपनी लगभग आधे दाम में अभी 50% डिस्काउंट में मिल रही है। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हो सकता है इस कंपनी का शेयर प्राइस फिर से 250 के नीचे आ जाए, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकती है कंपनी। और अगर आप किसी स्प्लिट वाली कंपनी को देख रहे हैं तो राधा गोविंद कमर्शियल लिमिटेड एक कंपनी है, जो कि 1:10 का स्प्लिट रेशो दे रही है। उसमें इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छा खासा स्प्लिट रेशो गेन कर सकते हैं। तो गाइस, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।